अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हार्वर्ड से नए निकलने की तरफ से मैं आपका हाजिर हूँ। आज हमारा जो सब्जेक्ट हम बात करेंगे वो यूरोपियन हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप की हिस्ट्री के हवाले से हम बात करेंगे। तो सीएसएस ने यूरोपियन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप जो है, 100 मार्क्स है और दो पोर्शन में डिवाइड है। इसके 100 मार्क्स है, एक पोर्शन वन में 50 मार्क्स है, पोर्शन टू में भी 50 मार्क्स है। पार्ट वन जो है, जो 50 मार्क्स है, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एरा स्टार्ट होता है 1789 से 1815 तक जो एरा है, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काजिस भी है कि किस तरीके से फ्रेंच में रिवॉल्यूशन की काजिस क्या थी, फिर उन कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसके फर्स्ट और सेकेंड थर्ड मुख्तलिफ स्टेप्स है। फिर उसके बाद जो है नेपोलियन की जो है आज पावर में आते हैं, और फिर उसके बाद जो है क्रिएशन हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की हो जाती है। और इससे क्योंकि बिफोर दैट टाइम जो है वहाँ पे देर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एरा है जो 1789 से लेके 1815 तक है। तो फर्स्ट आवर डिस्कशन अबाउट दैट एरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हवाले से होगी। सेकेंड जो है वो जो है यूरोप के हवाले से हम बात करेंगे। यूरोप के हवाले से 1815 से 1813 तक, जिसमें कांग्रेस ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद यूरोप है, कांग्रेस का सिस्टम है, और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर का जो इशू था, क्योंकि ये वो एरा है जब यूरोप के अंदर डिफरेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के रिवोल्यूशन जो है, और एक कांग्रेस हो जाती है, डिमांड्स ऑफ राइट्स की बात हो रही होती हैं, और इस वजह से फिर क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर का वो टाइम था 1815 से लेके 1830 तक का जो 15 ईयर्स है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड जो हो गए वो फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन द यूरोप। यूरोप के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो कंटिन्यूटी थी, चेंजेस थी, और फिर उसके अंदर जो मुख्तलिफ फोर्सेस जो चेंजेस हैं जो कि 1815 से 1848 तक है, यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है लिबरलाइजेशन है, नेशनलिज्म है, और इसके अलावा सोशलिज्म है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसके अलावा कलोनियलिज्म है, फिर ये इनकी तमाम ही कुछ कंसिक्वेंसेस भी है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है कि आप एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट एक टाइम पे डिफरेंट सिस्टम्स हो, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम इमर्ज हो जाए, और फिर ये तमाम जो फोर्सेस है उनकी कंटिन्यूटी भी थी, एट द सेम टाइम डिफरेंट चेंजेस भी हैपनिंग हो रही थी इन द यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म का एक बहुत ज़्यादा है, जर्मन नेशनलिज्म है, और इसके अलावा जो है लिबरल थॉट्स है, लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके अलावा इस सेम टाइम जो सोशलिस्टिक भी है, फ्रॉम जर्मन सोसाइटी में भी है, सोशलिज्म का एक आस्पेक्ट भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ फिर क्या है कि एक साइड पे एक पैरेलल सिस्टम सोशलाइजेशन का भी डेवलप है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और फोर्थ जो टॉपिक है वो ईस्टर्न क्वेश्चन है। ईस्टर्न क्वेश्चन मींस के ईस्टर्न क्वेश्चन के हवाले से फिर मुख्तलिफ किस्म के वार्स है, और इसके अलावा जो है खासकर तुर्की के साथ जो है वार है, और फिर उसके बाद की कंसिक्वेंसेस है, ये 1804 से लेके 1856 तक का जो एरा है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप में, जो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप में जो कुछ हैपनिंग हो रही है, जो वार हो रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और फिफ्थ जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले स्मॉल स्टेट का सिस्टम था यूरोप के अंदर, उनकी डिवीज़न थी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो है, तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि यूनिफिकेशन स्टार्ट हुई, जर्मन और इटली इसके लिए कोशिश हो गई, नेशनलिज्म के बेस पे की कोशिश रही वो यूनिफाइड हो जाए, और यूनिफिकेशन ये है कि फादा लर्ज एंड इंटरेस्ट के लिए, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है 1848 के जो रिवोल्यूशन आई थी उसकी जो इफेक्ट है, फिर उसके बाद जो है यूनिफिकेशन के बारे में जो मेजर इम्पॉर्टेंट किस्म की जो जो इनकी इफेक्ट है उसके हवाले से हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है जो 1848 है, और फिर उसके बाद 1871 तक कंटिन्यू है, तो
इस हवाले से हम बात करेंगे। तो ये इसमें हम फिर उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे 1848 के बाद यूरोप में। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हम बात करेंगे, फिर उनकी डिप्लोमेटिक इवेंट्स क्या थे, वो क्या बेसिस थी, क्योंकि बेसिकली यूरोप में चूँकि स्मॉल स्टेट्स है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। जब नेशनलिज्म की व्यूज डेवलप होती है, नेशनलिस्टिक बेस की, तो इटली के अंदर भी और जर्मन के अंदर भी पीपल वांट नेशनलिस्टिक बेस पे के दे वांट यूनिफाइड, वो यूनिफिकेशन चाहते थे। और फिर उसके बाद जो है डिफरेंट वार्स लड़ी गई, और इन वार्स के रिजल्ट में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है पॉसिबल हुई, यूनिफाइड हो गई। और फिर उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओरिजिनेशन जो है, जो कि 1914 से लेकर 1890 से लेके 1914 तक का जो एरा है, जब डेवलपमेंट प्रोसेस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ, दुनिया बढ़ रही है, तो इस हवाले से इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के अलायंस बनती है, तो ये अलायंस क्यों बनी, किस बेस पे, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू है, तो ये बेसिस पे, तो ये फर्स्ट जो पार्ट है यूरोपियन हिस्ट्री का, ये 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का है, जिसमें हम इन 7 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो मैंने आपके डिस्कस की, जिस पर हमने बात की। फिर पार्ट सेकंड जो है वो भी 50 मार्क्स का है, यानी 50 मार्क्स जो है पार्ट ए में और 50 मार्क्स जो है पार्ट बी में। पार्ट बी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की पोस्ट की जो सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे, यानी 1914 से हम स्टार्ट लेंगे। फिर उसके बाद पीस ट्रीटीज के ऊपर बात करते हैं, फिर लीग ऑफ नेशन है, तो ये वो प्रोसेस है जिसके बेस पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसकी स्टॉप, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टॉप हो जाए तो पीस ट्रीटी हो जाती है, लीग ऑफ नेशन वजूद में आता है। फिर उसके बाद जो है क्या है, डिक्टेटरशिप इन यूरोप, यूरोप के अंदर डिक्टेटरशिप का एरा है, जिसमें इटली के अंदर फासिज्म है, और इसके अलावा जो है जर्मनी के अंदर नाजी है, हिटलर का एरा था, रशिया के अंदर है, और फिर उसके बाद ज़ार है, मार्क्सिज्म का एरा है, फिर उसके बाद जो है ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड है, और फिर उसके बाद जो है यूरोप, पूरे यूरोप जो है ग्रेट डिप्रेशन है, 1930 का जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है पूरी यूरोप के ऊपर इनके इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट क्राइसिस है, फिर ये तमाम जो है ये डिक्टेटरशिप इन यूरोप के टॉपिक के अंडर हम डिस्कस करेंगे। फिर वर्ल्ड वॉर टू की तरफ दुनिया बढ़ती है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशन है, पीस ट्रीटीज है, उनकी फेलियर हो जाती है, तो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो देयरफॉर जो है वर्ल्ड दुनिया जो है बढ़ जाती है टू वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर सेकंड, और वर्ल्ड वॉर सेकंड की इफेक्ट जो है पूरी यूरोप पे है। और फिर उसके बाद जो है पोस्ट वॉर यूरोप डिफरेंट यूरोप्स हैं, बिकॉज यूरोप का नक्शा जो है टोटल चेंज है, यूनाइटेड नेशन वजूद में आती हैं, और फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए मार्शल प्लान जो है अमेरिका की तरफ से आता है, क्योंकि यूरोप की इकानमी टोटली तबाह हो जाती है, यूरोप के पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी के लिए यूएस की तरफ को बढ़ते हैं, और यूएस की तरफ से मार्शल प्लान है और डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है, फिर जर्मन का क्वेश्चन था, और फिर इसके बाद नेटो है, फिर डी कलोनियाइजेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि इससे पहले तो कलोनियाइजेशन का था, तो डी कलोनियाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और यूरोप का जो है ताल्लुक क्या है, फिर कोल्ड वॉर का जो फिनामिना है वो 1955 से शुरू होकर 1991 तक जब इंटीग्रेशन हो जाती है यूएसए साथ की, तो ये और इसके दौरान यूरोप का जो कि बेसिकली हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो है यूरोपियन हिस्ट्री, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यूरोप हिस्ट्री के दौरान जो हैपनिंग है उसके हवाले से इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर है। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ वॉर्स अफेक्ट है, इसके अलावा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है फादर एक यूरोप के सेफ गार्ड के लिए, और फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म की एग्रीमेंट हो जाती है अगेंस्ट कम्युनिज्म के खिलाफ, तो ये उसका एक कंटिन्यूटी। फिर यूरोप 1991 से 2002 तक यूरोप की जो सिचुएशन है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाती है, फिर रीयूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, फिर उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन, फिर उसके बाद यूरोपियन कमीशन बनती है, फिर उसके बाद यूरोप में जो रोल है अगेंस्ट द वॉर ऑन टेररिज्म के खिलाफ, फिर ग्लोबल इकानमी है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, यूरोप है, तो ये 50 नंबर का ये पोर्शन है, और इस पोर्शन में 6 टॉपिक है, तो तकरीबन ये 50 और 52 पोर्शन है, दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे।
तो ये तकरीबन यूरोप के, अगर हम स्टार्ट करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके टिल 2002 तक, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आई 1789 से लेके 2002 तक यूरोप को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। सर अगर हम पैराडाइम बनाते हैं तो 1789 से लेके 2002 तक का पीरियड जो है, इसमें हम बात करेंगे यूरोपियन हवाले से, यूरोपियन इकोनॉमी के हवाले से, यूरोपियन सोसाइटी के हवाले से, तो ये इसका है। और फिर इसके बाद जो मिस इम्पॉर्टेंट किताब है और हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन मॉडर्न यूरोप, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप बहुत ज़बरदस्त बुक है जिसमें तमाम है। इसके अलावा मैं भी आप लोगों को नोट्स भी दूंगा, मैं अभी आप लोग कोशिश करूँगा इस तरह के मटेरियल, रिफ्रेंस मटेरियल आप लोगों को सप्लाई करूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, जिसके बेस पे आप अपने जो यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से, यूरोप के हवाले से हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो है, जो कि 1789 से 2002 तक का हिस्ट्री है, इस पर आपको कम्प्लीटली एक ग्रेप हो, क्योंकि ये जो एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, खासकर इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है हिस्टोरिकल फैक्ट एंड इवेंट्स को, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट और इवेंट्स को कोट ना कर ले तो चांसेस होती है कि आप इतने अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर सकते। तो गुड मार्क्स यू नीड, आपको ज़रूरत है कि आप इस एरे को, ये जो एरा है यानी 1789 से लेकर 2002 तक का जो पीरियड है यूरोप के अंदर, इसके ऊपर कम्प्लीटली आप नोट्स, आपको जानते हो क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, यूरोपियन इकॉनमी किस तरह थी, यूरोपियन पॉलिटिक्स किस तरह है, फिर यूरोप के अंदर डिक्टेटरिज्म है, फिर यूरोप के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस है, फिर उसके बाद जर्मन यूनिफिकेशन है, फिर उसके बाद इटली यूनिफिकेशन है, तो ये तमाम चीज़ें जो है लाजमी है। फिर आदि अकेडमी, हार्वर्ड सीएसएस अकेडमी जो है बेसिकली फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स इस फील्ड में बहुत एक्टिव है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस अकेडमी के साथ घर बैठ के मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल में भी आप इजीली अथेंटिक और सोर्स के साथ और क्वालिफाइड टीचरों के अंडर आप जो है गाइडलाइन में आप शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी इंटरेस्ट हो तो आप किसी भी चैनल से अकेडमी से रब्ता कर लें। अगर मेरे हवाले से, कोर्स के हवाले से कोई फर्दर आपको नीड हो इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री एनी टाइम, यू कैन एंड आई विल बी अवेलेबल। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।